अगर आप झील देखने में समय बिताना चाहते हैं तो ठाणे घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग विद सुप्रिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ठाणे आए हैं। वसुधा झील तलावपाली नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे बोटिंग भी होती है, आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। यह ठाणे शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो ठाणे रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। झील शिवाजी पथ, फ्लाईओवर सहित उतलसर रोड और तालाबपाली रोड सहित सभी तरफ से सड़कों से घिरी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण हरे पेड़ है, जो चारों ओर ठंडी हवा के साथ छाया देते है। पहले ये झील पूर्व में कोपिनेश्वर मंदिर तक फैला हुआ था। 1950 के दशक में झील के क्षेत्रफल को उसके मूल आकार से लगभग आधा कम करके एक नई सड़क का निर्माण किया गया था। मुंबई में सबसे लोकप्रिय हैंगआउट स्पॉट में से एक है। महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक माना जाता है। इस शहर में 35 के आसपास झीलें हैं। उनमें से सबसे सुंदर मासुदा झील के रूप में जाना जाता है। मासुदा झील नियमित रूप से बड़ी भीड़ को आकर्षित करती है, क्योंकि इसके सुंदर दृश्य, बैठने की पर्याप्त जगह प्राचीन काल से प्रचलित है। यह झील बहुत पुरानी है, शायद मेट्रो राइट द्वारा बनाई गई होगी, क्योंकि ठाणे में कई झीलें हैं जो इसकी निशानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक। ईसा पश्चात 815 से 1265 तक श्री स्थानक यानी ठाणे शिलाहार राजाओं की राजधानी थी। इनके लंबे शासन को देखने से पता चलता है कि ठाणेकर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। कोपिनेश्वर मंदिर और मसूदा झील का निर्माण उस समय से हुआ था। विदेशी यात्रियों ने ठाणे के प्राकृतिक वर्णन में मासुदा, देवळा, अंबे घोसाले, हरियाला, गोशाला आदि झीलों का उल्लेख किया है। ईसा पश्चात इतिहास रिकॉर्ड में 1538 में ठाणे क्षेत्र में 60 झीलें थी। ठाणे को झीलों का शहर भी कहा जाता है। वैसे तो लोग इस झील को तलावपाली कहते हैं, लेकिन इस झील का असली नाम मासुदा है। घोड़ा गाड़ी की सवारी तलावपाली के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है और पर्यटकों को बहुत सारी रोमांचक गतिविधियां और भोजन प्रदान करता है। यह स्थान ठाणे के मुख्य स्थानों से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन पासी में है। ठाणे के मुख्य बाजार गोकले रोड, जांभळी नाका झील के करीब है। मासुदा झील को ज़्यादातर ठाणेकर तलावपाली कहा करते हैं। आज तलावपाली व्यस्त और लोकप्रिय स्थान है। तलावपाली का मुख्य आकर्षण इसकी नौका विहार और जल स्कूटर सेवा है, जो बहुत मामूली दर पर उपलब्ध है। नाव और जल स्कूटर दोनों सेवाएं पर्यटकों को पूरी झील का चक्कर लगाती है। दोनों सेवाएं दोपहर 4:30 बजे से शाम 9 बजे तक खुली रहती है। बच्चों के लिए बोटिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये किड ट्रेन है जो 30 रुपीज़ पर किड्स है, और ये जंपिंग 30 रुपीज़ 5 मिनट्स के लिए है, और ये मशीन बोट है, पर पर्सन 30 रुपीज़। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, आप लोग एक बार ज़रूर आना। पूरे झील का चक्कर कुछ ही मिनट में लगाते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है।
झील के बीच में बना कृत्रिम बेट है और रात के रंगीन रोशनी से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक आप नज़दीक से देखना चाहते हो झील में से, तो आप मशीन बोट का विकल्प चुनें ताकि आप लोग नज़दीक से देख सकते हो। देर शाम और सूर्यास्त का समय बहुत सुंदर होता है, आप लोग देख सकते हो व्यू, बहुत अच्छी फोटो आती है यहाँ पे, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। और ये झील का पूरा व्यू है, अच्छा वक्त बिताने के लिए आप लोग यह जगह ज़रूर विजिट करना, बहुत अच्छा अनुभव आप लोगों को मिलने वाला है, बेहद खुशी होगी आप लोगों को यह जगह आने के बाद। ठाणे कर यहाँ की बोटिंग सुविधा का लुत्फ़ उठाने के लिए विशेष समय निकालते हैं। 30 रुपीज़ में आप पूरे झील का चक्कर लगा सकते हो। बाहर से आने वाले पर्यटकों को तलावपाली की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। झील के पास में कई छोटे छोटे फूड जॉइंट्स हैं, जहां वड़ा पाव, मिसल पाव, भेलपुरी, पानीपुरी जैसे स्थानिक स्वादिष्ट स्नैक्स, चाइनीज फूड परोसे जाते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो आपको? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।